गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप देख रहे हैं प्रेमा क्रिएटिव गार्डन। हमारे गार्डन में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम फूल नहीं फ्रूट के बारे में कुछ बात करेंगे कि आप अपने छत पे फ्रूटिंग पौधे भी लगा सकते हैं तो उससे अच्छी आपको फ्रूट भी मिल जाएगी। ऐसा नहीं है कि कंटेनर में फ्रूट नहीं होते, बहुत अच्छे होते हैं। तो देखिए, ये हमारा जो है नारंगी का पौधा है, इसकी ग्रोथ देखिए, इसमें फ्रूटिंग देखिए, बहुत अच्छी फ्रूटिंग हुई है। तो आप लोग भी छत पे जो है फ्रूट के पौधे, टीने एक होता है ना, टीने का कंटेनर, तो इसको आप फेंकिए मत, उसी को थोड़ा सा उसमें नीचे होल कर लीजिए और फिर उसमें किचन वेस्ट या ये सब गार्डन वेस्ट डाल दीजिए, ऊपर से मिट्टी डाल के पौधा लगा दीजिए, बहुत अच्छी ग्रोथ करते हैं। देख रहे हैं ना कितना फलों से लगा पड़ा हुआ। और हमारे पास ये देखिए अमरूद का छोटा सा पौधा है, इसमें हमने मिर्ची की बीज डाली थी दोस्तों, तो बहुत सारी मिर्ची हम लगा दिए, दो तीन पड़ी है, कोई आएगा तो ले जाएगा, लेकिन वक्त पे कोई ये लेगा नहीं, बाद में फिर कहेंगे हमको नहीं दी, हमको नहीं दी। तो ये देखिए छोटा सा पौधा अमरूद का है, इसमें फूल आ रहे हैं, हालांकि इस फूल से फल नहीं लेंगे क्योंकि फूल कमज़ोर हो जाएगा, लेकिन जो है आप गमले में लगाइए, बहुत अच्छी फूटी करता है। हम अपना दूसरा पौधा दिखाते हैं आपको, जो कि बहुत फ्रूट सारे लगे पड़े हैं दोस्तों। एक हमारा ये नींबू का पौधा है, ये देखिए, वो तो नारंगी का था, ये हमने अभी हाल ही में कुछ दिन पहले ले आया है नींबू का पौधा, क्योंकि एक पौधा हम नींबू का ले आए हैं, साल भर से उसमें न तो फूल आ रहे हैं न फल आ रहे हैं, फिर हमने नर्सरी वाले से बोला तो वो दूसरा पौधा दिया, हमको कहा इसमें तो अभी तुरंत आएगा फूल फल, और सच्ची में आ गया। ये देखिए, देख रहे हैं ना, फूल के साथ फल, अभी ये ज़्यादा दिन नहीं हुआ, मुश्किल से 2 महीने हुआ लगाए, और इसमें फूल और फल फल आपको देख रहे हैं, ये देखिए बन रहे हैं फल ना। ये है नींबू का, आप देखते हैं कौन सा नींबू है, बड़ा वाला नींबू है कि छोटा वाला है, लेकिन फल तो आ गए, खुशी तो हो ही रही है कि हमारे गार्डन में फ्रूट बन रहे हैं। और आपको दिखाते हैं ये जो है हमारा अमरूद का पौधा, ये देखिए, देखिए फ्रूटिंग इनकी ना? तो और लगा किसने है, एक गमले में, बड़े साइज गमले में, मिट्टी के गमले में लगाए हैं, मिट्टी के गमले में सबसे अच्छी ग्रोथ पौधे मिट्टी के गमले में ही करते हैं प्लास्टिक में भी, लेकिन हम फल वाले पौधे जितने हैं मिट्टी के गमले में लगाए हैं, तो बहुत अच्छी ग्रोथ है। और इसमें नहीं तो 25 अमरूद जो है, कम से कम 25 अमरूद इसमें लगे हुए हैं, और बहुत मीठा अमरूद है। अगले साल 2-3 फल हम लिए थे इससे, बहुत मीठा और बीज बिल्कुल कम है। और वो किनारे में देखिए दोस्तों, एक है हमारा बिल्कुल कॉर्नर में, वो है नींबू का, वो 1.5 साल से लगा है, उसमें जो है फ्रूटिंग नहीं हो रही है, तो वो बोला कि देसी वेराइटी का है, इसमें 3-4 फल लगेंगे, देखते हैं पड़ा रहेगा, अगर होता है तो ठीक है, नहीं होता तो अगर आप लोग भी शौकीन हैं तो फ्रूट ज़रूर लगाइए। हम आम भी लगाएंगे दोस्तों, आम के लिए हम गए थे गमला रख के, हम आम अच्छा मिल नहीं पाया था, जैसे हम आम का पौधा अच्छा पाएंगे तो हम भी अपने गार्डन में एक लगाएंगे ज़रूर, हमें बहुत शौक है इन सब चीज़ों का, तो आप लोग भी लगाइए, बहुत अच्छा, जब इसमें फ्रूट और फल आते हैं तो बड़ी खुशी मिलती है। हाँ, ये बोगनवेलिया को देखिए देखिए, एक बंच पता नहीं 2-4 दिन हम ध्यान नहीं दिया, अचानक से नीचे से बड़ी मोटी सी ब्रांच निकली और जाके ऊपर एकदम गुच्छे में फ्लावरिंग कर रही है, तो हमने छोड़ दिया, ठीक है करो भाई दोस्तों, जैसा भी लगे हमारा गार्डन, हमारे फ्रूटिंग प्लांट। तो और ये देखिए फ्रूट के बहाने सब्जियों का कलेक्शन, देखिए ये हमारा बरबटी का पौधा है, ये 4 महीने से इतना फल रहा है, एक पौधा हमें एकदम फल दे के एकदम, जब भी इसको सोचते हैं कि अब इनको हम निकालेंगे उस समय ये इतना फल दे देता है कि फिर हम इसको निकाल ही नहीं पाते। अब देखिए इसमें फ्रूट, देखिए फ्रूटिंग कितनी ज़बरदस्त हुई है, ये करीब 4-5 राउंड हम इसको तोड़ चुके हैं, ये 6ठा राउंड है शायद, अब बताइए इसको हम कैसे निकालें, हिम्मत ही नहीं पड़ती निकालने की, इतने सारे इसमें छोटे छोटे फ्रूट लगे हैं तो भी हम नहीं निकाल रहे हैं। बाकी सब्जियों के पौधे हमारे तैयार हो रहे हैं दोस्तों,
फिर दिखाएंगे आपको सब्जियों के पौधे तैयार हो जाएंगे तो उसमें भी फ्रूटिंग शुरू हो जाएगी। फिर मिलते हैं दोस्तों किसी अगले टॉपिक पे अगले ब्लॉग में। गुड बाय।